चा व्लॉग्स। तो भाई आज है हमारा आखिरी दिन और आज है मेरी बर्थडे, तो मेरे को फटाफट से कमेंट में हैप्पी बर्थडे रुचा जी करके भेज दो। और आज हम लोग जा रहे हैं गोंडोला राइड करने के लिए जो कि गुलमर्ग में पड़ता है, तो अभी यहाँ से एक आध घंटे का रास्ता है। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे मस्त मजे का हमारा ब्रंच करके आए, ब्रेकफास्ट बोलो या लंच बोलो, ब्रंच करके आए। अभी सीधा रात को खाएंगे और कल रात प्रेरक से मेरे लिए एक ब्यूटीफुल सी केक भी लाए थे, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अभी चलते हैं फटाक से फुर करके गोंडोला राइड। अभी वॉक करते करते जा रहे हैं हम लोग हमारी केबल कार यानी कि गोंडोला की तरफ। पहले वहां से जाएंगे हम लोग फेज वन और फिर आगे आगे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं। और ये जो बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं आज तो आपको एकदम नज़दीक से दिखाएंगे वो बर्फीले पहाड़। इस तरफ भी सब स्नो गिरी हुई है बट ये बहुत पुरानी स्नो है, फ्रेश स्नो ऊपर है। गोंडोला वेलकम्स यू। तो यहाँ से अपना फेज वन स्टार्ट होगा और इसकी जो भी डिटेल्स वगैरह जो भी होगी ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहाँ से आपको आपकी गोंडोला राइड बुक करनी है, क्या चार्जेस है क्या नहीं, वो सब आपको वहीं पे से मिल जाएगा। और यहाँ पे आओ ना तो आपको बाहर से बोलेंगे कि भाई शूज़ ले लो, मत लेना, अंदर एंटर हो जाओ उसके बाद लेना वो शूज़। हमारी फेज वन की एंट्री का गेट, अभी यहाँ से एंट्री लेंगे, अंदर हमारी टिकट्स चेक करवाएंगे और फिर यहाँ से हम लेंगे हमारी फर्स्ट फेज की गोंडोला। टिकट्स चेक करवाने के बाद अभी जा रहे हैं गोंडोला की तरफ और ये यहाँ से है हमारा बोर्डिंग, इस तरफ से इसकी लाइन। आज वैसे तो लाइन बहुत कम है और ये देखो इस तरफ आपको दिखेंगे, ये है गोंडोला। हमारा गोंडोला यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। रुचा, हाँ जी, कैसा व्यू आ रहा है और कैसी फील हो रही है? थोड़ा जाने दे, अच्छा ऐसा है, देखेंगे थोड़ी हाइट पे जाना है रुचा को। और ये यहाँ से व्यू देखो और ये इधर से जा रहा है हमारा गोंडोला। थोड़ा कांच ना गंदा है इसके लिए आपको ऐसा व्यू आ रहा है, थोड़ा ऊपर जाते हैं फिर पता चलेगा। और ये वाली राइड कितने मिनट की है रुचा? 9 मिनट की 9 मिनट की राइड है भाई, तो 9 मिनट अभी हम इसी गोंडोला में है। रुचा, हाँ जी, क्या डर लगा? डर नहीं लगा यार। तो ये बीच में अटक क्यों गया? पता नहीं, अभी पेट्रोल भरवा रहे होंगे। झूला झूल रहे हो ऐसी फील आ रही है। व्यू लेने के लिए रुका होगा लेकिन इधर कोई व्यू ही नहीं है यार, अपने नसीब ही नहीं है कि स्नोफॉल देखे या स्नो देखे। वन पे आ चुके हैं और यहाँ पे तो कोई इतना अच्छा व्यू मिला नहीं। अभी रुचा देखो व्यू देखने के लिए जा तो रही है, कैसा लग रहा है? और जो फेज वन का नाम है वो नाम है पोंग डोरी गुलमर्ग और ये 3050 मीटर की ऊंचाई पर है। और अभी अपने को जाना है 13500 मीटर की ऊंचाई पर, बराबर। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे। ये लाइन जो आप लोगों को दिख रही है वो फेज टू में जाने के लिए लाइन लगाई हुई है। भाई बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, लगता है 1-1.5 घंटा हमको इधर ही लग जाएगा ये लाइन में ही। फिर देखते हैं अभी क्या होता है, जाना तो है ही। और फेज टू जो आपको मैं दिखाऊं वो वहाँ ऊपर तक, वो चोटी तक हम लोगों को जाना है फेज टू के लिए। वहाँ पे अपने को प्योर बर्फ मिलेगी जिसको फ्रेश स्नो बोलते हैं हम। अगर आप आ रहे हो तो ये देखो ये वाली जो वेबसाइट है www.jammukashmircablecar.com, यहाँ से आप अपनी दोनों फेज की बुकिंग्स करवा सकते हैं और ऊपर इसकी जीमेल आईडी भी दी हुई है तो उसके ऊपर से भी आप सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी 20 मिनट के ऊपर तो हो गया, हम लोग अभी भी लाइन में खड़े हैं बस, लेकिन अभी थोड़ी लाइन बाकी है और 15-20 मिनट में हमारा नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर है ना ये देखो ये इग्लू जैसे बने हुए बैठने के लिए, यहाँ पे कैफे है
बट यार ये इग्लू कैफे तो स्नोफॉल हो तो ही मजा है इसके फेज टू के लिए। और ये स्पीड में जा रही है यार ये तो। और ये राइड होने वाली है अपनी 12 मिनट की राइड होने वाली है और अब एक्चुअल में अपने को स्नो दिखेगी दिखेगी। और देखो यहाँ पे नीचे हॉर्स भी है, यहाँ पे हॉर्स पे आना हो तो इधर तक ला सकते हैं हॉर्स वाले भैया अपने घोड़ा ले लो घोड़ा पर इतना याद रखना घोड़ा नहीं लेना। जो दूर से देख रहे थे ना वो अब बर्फीले पहाड़ देखो नजदीक आ रहे हैं और धीरे धीरे हम उसके ऊपर होंगे आपको लेके। क्या बोलते रुचा? रुचा की फट रही है। नहीं फट रही है भाई, कुछ भी। उसकी फट रही है लेकिन वो बोल नहीं रही है। का डर था वही हुआ और रुचा की फटनी और ज्यादा फट लेने लग गई क्योंकि भाई बीच मजदार में केबल कार का पावर कट हो गया है। अभी आ जाएगा लेकिन आ जाएगा तुरंत आ जाएगा। बहुत होता है हमारी होटल में भी यार पावर कट बहुत हो जाता है। फेज टू पे आ चुका है जो कि है भाई 14,000 मीटर ऊंचाई पर। और आप लोगों को व्यू दिखाओ यहाँ से, व्यू देखो आप लोग। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, बाप रे पूरी बर्फीले पहाड़। हम भी अभी चल रहे हैं बर्फ में और अगर वहाँ ध्यान से देखोगे तो वो पूरा जो नीचे आपको दिख रहा है वो बादल है, बादल के ऊपर आ गए हैं हम लोग। सही है, अभी थोड़ी ऐसी प्लेस खोज रहे हैं कि जहाँ के जहाँ पे पब्लिक कम हो तो थोड़ा कंटेंट वंटेंट शूट करता है, रील वील बनाते हैं, फोटो वोटो खिंचवाते हैं। अभी गिर जाता मैं, यहाँ पे बहुत स्लिपरी है, बहुत स्लिपरी है यहाँ पे, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। यहाँ पे बैठ के बस ऐसा ही हो रहा है कि ये सामने जो बर्फीले पहाड़ है उसको देख के बस ये नज़ारा देखते ही रहे। और इस तरफ देखो रुचा उसकी 25th बर्थडे फुल सेलिब्रेट कर रही है। कैसे सेलिब्रेट कर रही है रुचा? आए हाय रुचा, आप सबको एक सरप्राइज दे रही है। रुचा दे तो सरप्राइज। तो भाई हमने यहाँ पे ऐसे केक बनाई है आज तक। मेरे को लगता है कि किसी ने रुचा ऐसा बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं किया होगा। आइस केक, थैंक यू प्रेरक, ये प्रेरक ने मेरे को बना के दिया है। अब तो मैं 25 बना के सोच रही हूं लेकिन बन नहीं रहा है हमसे। हार्ट तो बना दिया हमने। हां वो सामने उतनी देर अपना आर्मी का बेस कैंप है और सेम वही बेस कैंप इधर भी है। तो भाई वहां से यहां तक आने के लिए ये जो ट्रक आपको दिखता है ना वो ट्रक लगता है और ट्रक 4x4 नहीं होता है ना तो उनमें स्नो चेन लगाई जाती है जिससे स्नो में स्लिप ना हो जाए। कंटेंट बनाने के लिए देखो रुचा को कहां कहां चढ़ना पड़ता है और अभी उतरने में दिक्कत हो रही है। आ गया भाई, आज भाई का बर्थडे है ना इसलिए आज भाई बहुत ज्यादा खुश है। ये एरिया आप जो देख रहे हो वो पूरा का पूरा है फेज वन। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कभी भी गुलमर्ग या विंटर सीजन में आओ और अगर यहाँ पे स्नोफॉल प्रॉपर हुआ नहीं है तो भाई सबसे पहले आप 11 बजे जैसे यहाँ पे फेज वन पे पहुंच जाओ ना तो सीधा का सीधा यहाँ घूमने से पहले सीधा चले जाना ऊपर फेज टू बर्फ देखने के लिए। क्योंकि अगर फेज वन में आपको यहाँ पे बर्फ नहीं मिलेगी तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दूसरा ऑप्शन यही बचेगा कि फेज टू पे जाके बर्फ एंजॉय करो। एंड मेन चीज कि वो वाला जो फेज टू है वो 3 बजे बंद हो जाता है तो अगर आपने यहाँ पे टाइम बिगाड़ दिया तो फिर आपको ऊपर जाने के लिए दिक्कत हो जाएगी। एंड सेकंड चीज, अगर यहाँ पे अच्छी बर्फ नहीं हुई है तो नीचे से कोई गाइड वाइड भी मत करवाना क्योंकि यहाँ पे आके उतना कुछ करने जैसा है नहीं। आप वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कर सकते हो। यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं वो भी बहुत दूर है, आपको वॉक करके उधर तक जाना पड़ेगा। और मेनली अगर आपको यहाँ पे स्नो दिखे तो ही जो भी एक्टिविटी है स्की समझ लो या कुछ भी समझ लो उस तभी वो करना। अदरवाइज अगर आपकी मर्जी है
तो आप कर सकते हो, बट जो प्रॉपर स्की होती है उसके लिए 6 से 7 फीट बर्फ चाहिए होता है। ये नॉर्मल बर्फ में वो स्की नहीं हो पाती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फेज वन में खड़े है, नीचे जाते हैं यहाँ से। हम लोग फेज टू का हमारा पार्ट खत्म करके 3:15 हम लोग नीचे रिटर्न आ गए हैं और अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे एंड देन फिर चले जाएंगे नीचे गुलमर्ग की ओर। इस वन से रिटर्न होने की लाइन में खड़े हुए हैं। आगे लाइन आप लोग देख सकते हैं और ऊपर ये गोंडोला स्टॉप सा हो गया, मतलब पावर कट हुआ है या फिर आगे बहुत जैम है इसीलिए रुका हुआ है। और पीछे हमारे पीछे भी इतनी ज्यादा लाइन है और जहाँ पे फेज टू में ऊपर गए थे वहाँ पे सनलाइट पूरी चली गई और वहाँ पे देखो कितनी ब्यूटीफुल सी गोल्डन आवर सा हो गया है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। और फिर धुआं निकाल, ओछा, कम स्मोकिंग करना। तो देखो यार अभी कितने बज रहे, 4 बज रहे, पता नहीं कितने बजे अपना नंबर आएगा, इतनी सारी लाइन क्रॉस करके अंदर जाना है अभी। पीछे फिर से गुलमर्ग में आ गए हैं, फेज वन फेज टू दोनों कंप्लीट करके अब जो ये जूते हैं ये जूते वापस देके अपने को अपने जूते लेने जाना है। तो चलते हैं और देखो गोंडोला का उस तरफ का एंट्री का जो है ना वो पूरा बंद हो चुका है, अभी सिर्फ ये एक ही गेट बाकी है, एग्जिट गेट। तो यहाँ से एग्जिट करते हैं और फिर वहाँ पे अपने जूते वाले भैया थे उनसे हमारे जूते लेते हैं और फिर चलते हैं कैब की ओर। गोंडोला से रिटर्न, ये रास्ता देख लो, वहाँ से लेके अपने यहाँ तक चल के आए हैं और ये बाजू में आपको हॉर्स दिख रहे होंगे, पीछे से एक गाड़ी आ रही है, गाड़िया हॉर्स सब अंदर आ जाते हैं, हॉर्स सब लेके जाते हैं। लेकिन भैया बोल रही हूँ मत जाओ उसमें, वो लोग बोलेंगे आपको भूथा पथरी दिखाएंगे, लेकिन मत जाओ वहाँ पे, कुछ देखने का नहीं है। सबसे बेस्ट है गोंडोला फेज वन एंड फेज टू, अगर स्नोफॉल हुई तो फेज वन इज द बेस्ट, स्नोफॉल नहीं हुई तो फेज टू बुक करा दो और चल के जाओ। 1 किलोमीटर है, गिन के बहुत ही 4,000 उनको देने, इससे अच्छा कि 1 किलोमीटर वॉक करके चले जाओ। के बाहर सीधा गेट के पास आ गए, भैया को उड़ा लिया इधर ही और ट्रैफिक जाम देखो सिर्फ इधर दिख रहा है। और ये जो प्राइवेट गाड़ी अंदर जा रही है वहाँ पे जिस सबका होटल बुकिंग होता है उसी को अंदर जाने देते हैं। बाकी देखो प्यारा सा सेल्फी पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे आई लव गुलमर्ग लिखा हुआ है, पीछे बहुत ही अच्छी वादी आ रही है बर्फ वाली। हम लोग नहीं जा रही क्योंकि देखो क्राउड कितना है, कोई एम के ऊपर चढ़ रहा है, कोई इधर चढ़ रहा है, भाई जिस जगह पब्लिक जाते ना उस जगह की ऐसी हो जाती है। ये रखा है नीचे शूट करने के लिए, वो भैया देखो ये अगर के एम के पकड़ जाए उसका आप कौन है। ऐसे मुँह में से धुआं निकल रहा है। वापस से आ गए श्रीनगर और उसी होटल में आ गए वापस से, लो वुड होटल में, और वापस से चल रहे दल लेक की ओर और पिज़्ज़ा हट में जा रहे हैं। देखना भाई गिर मत जाना, पिज़्ज़ा हट जा रहे हैं। तो आज तो मेरे को सोच रहा है कि भाई ऑटो में ही चले जाए, उतना चल के नहीं चले क्योंकि अपनी होटल है गेट नंबर 3 में, घाट नंबर 3 में, और पिज़्ज़ा हट है घाट नंबर 11 पे। तो अभी मेरे बर्थडे नाइट के लिए हम लोग पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, आज चल के जाने का मूड नहीं था इसीलिए ऑटो में बैठ गए। घाट नंबर 3 से घाट नंबर 11 तक की ऑटो करवाई है और बाजू में दल लेक का ब्यूटीफुल सा व्यू आप लोग देख सकते हो कि हाउस बोट को किस तरीके से सजाया रखता है। पावर कट हो गया, बाकी इधर लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा रहती है। एक स्पाइस पनीर, एक शेजवान मार्गरीटा, एक चीज़ कॉर्न और गार्लिक ब्रेड मंगवाई। अभी इतना नहीं चलेगा तो और कुछ मंगवाएंगे, ब्रेड चिली फ्लेक्स मत डालना प्लीज। बैक टू रूम आ गए, अभी कल निकलेंगे सीधा अहमदाबाद जाने के लिए, 5 दिनों बाद में और प्रोडक्ट ढंग से नहाएंगे। और थैंक गॉड लाइट चली गई थी, लाइट भी आ गई, अभी ये पहनती हूँ, रजाई उड़ती हूँ, मस्त ब्लैंकेट वाला हीटर चालू करती हूँ और खर्राटे मार के सो जाती हूँ। तो जब अभी भी किसी ने मेरे को बर्थडे विश नहीं किया है तो जल्दी से जाके मुझे कमेंट में हैप्पी बर्थडे रुचादी कह के आओ। बाकी आज का ये व्लॉग करते यहीं पे एंड, अगर आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।